नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं ट्राइडेंट की। एक अच्छी रैली, 5 से ज्यादा की रैली आज के दिन में देखने को मिली है। स्टॉक बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। गिरावट हुई थी स्टॉक में और एक जोन में ये लगातार ट्रेड कर रहा था, बट अभी यहाँ से ब्रेकआउट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सीइंग इट्स फाइनेंशियल और सीइंग इट्स क्वार्टरली नंबर्स, मुझे लगता है कि बाजार में ट्राइडेंट का एक बार फिर से एक अच्छी रैली के लिए आपका यहाँ पर आ सकती है और एक अच्छा टारगेट आपको यहाँ पर अचीव हो सकता है। ट्राइडेंट में दोबारा से पैसा बनेगा, कितना पैसा बनेगा, क्या टारगेट लेकर के चल रहा है, खबरें क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द न्यूज की न्यूज क्या आ रही है और चार्ट क्या कहता है, क्योंकि चार्ट में एक अच्छे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोअर एंड पे देखोगे तो मैकडी आपका अच्छा खासा बना हुआ है, आरएसआई में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़े से मार्केट के बारे में। देखिए बाजार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिली। हाँ, जहां पर अपनी हुई बाजार पूरा दिन वहीं पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। एक अच्छी रैली बनी यहाँ पे और गैप अप ओपनिंग नहीं कहूंगा मैं यहाँ पे, बट हाँ स्टेबिलिटी बहुत जरूरी थी और स्टेबिलिटी बाजार में आई है। निफ्टी 15.32% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली। निफ्टी बैंकिंग में अगर आप देखेंगे 0.37 मिड कैप में गिरावट हुई है और मिड कैप की वजह से जो आपके पीएनबी जैसे स्टॉक्स है जो मिड कैप में आते हैं उनमें आज आपको गिरावट देखने को मिलेगी, बट जो छोटे स्टॉक्स हैं जैसे ट्राइडेंट हो गया, सुजलॉन हो गया, जोमेटो हो गया, इन सब में आज आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि जो बाजार है आज पेनी स्टॉक्स के लिए, आज स्मॉल कंपनीज के लिए वो बहुत ही मेहरबान रहा था। यही कारण है कि ट्राइडेंट जैसी कंपनीज में, सुजलॉन जैसी कंपनीज में आज आपको 5% से ज्यादा की रैली देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे वॉल्यूम क्या आता वो दिखाई दे रहा है, 37 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। हाई वॉल्यूम हाई गेन का दिन रहा था आज दिन में और कंपनी अच्छी है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर अगर आप देखें 65 का ड्यूरेबिलिटी स्कोर है, यानी फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं। वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव बताई जा रही है, बट क्योंकि इसका फाइनेंशियल पिछले दिनों गड़बड़ हो गए थे थोड़े। टेक्सटाइल में अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल एक्सपोर्ट जो है हमारा वो थोड़ा सा डाउनवर्ड गया था ड्यू टू बांग्लादेश, और उसकी वजह से थोड़े से जो आपकी टेक्सटाइल कंपनीज हैं वो प्रॉफिट मेकिंग से लॉस मेकिंग की तरफ टर्नआउट हो गई थी। बट ट्राइडन के केस अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में सिर्फ गिरावट देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ठीक ठाक देखने को मिलती है, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी कंपनी, और यही कारण है कि आपके जो कंपनी है वो थोड़ा सा यहाँ पर एक रेंज बना करके ट्रेड करना स्टार्ट कर चुकी थी। फाइनेंसिस में अगर आप देखें अभी कंपनी स्टेबल होती दिखाई दे रही है, मई क्वार्टर के नंबर अभी तक नहीं आए हैं, बट मुझे उम्मीद है कि इस बार क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आएंगे। जिस तरह से एक्सपोर्ट के अगर आप डेटा देखें जो एग्जिम बैंक ने निकाले हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद से टेक्सटाइल में भी एक अच्छी खासी रैली आते हुए आपको दिखाई दे सकती है। जहां तक डिलीवरी की बात रही, जैसा मैंने बोला वॉल्यूम तो अच्छा है ही, वॉल्यूम तो बहुत अच्छा आया है, साथ में डिलीवरी भी अगर आप देखें तो 43% के आसपास की, क्लोज टू 50% की कल की 2 जून की डिलीवरी रही थी। तो मुझे लगता है कि अगर जैसे मान लीजिए 33 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं आपके, तो अराउंड 14-15 मिलियन शेयर्स भी अगर आपके डिलीवर हो रहे हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड, तो मुझे लगता है कि लोगों को भरोसा दोबारा से इस कंपनी के ऊपर हो रहा है। और जो वैल्यूएशन आपकी जो है वो एक्सपेंसिव बताई जा रही है, वो बहुत ही जल्द आपके एकदम क्लोज टू वैल्यूएशन आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए, यानी खरीदारी बिल्कुल कीजिए, क्योंकि अगर आप एफआईआई को देखते हो तो एफआईआई ने भी यहाँ पे शेयर होल्डिंग को मार्च क्वार्टर में इंक्रीज किया था, नॉट टू मच, बट हाँ यहाँ पे स्लाइड चेंज जरूर देखने को मिलता है, 2.36% से बढ़ा करके 2.43% कर दिया था। तो बिल्कुल खरीदारी करने आपके सामने है, और कंपनी डिविडेंड भी आपको प्रोवाइड करती है। 1 जून को कंपनी ने 36% के आसपास का डिविडेंड भी आपको ऑफर किया था, तो मुझे लगता है कि कंपनी में रैली भी है और डिविडेंड भी मिल रहा है, एफआईआई का एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है, तो एक ऐसी कंपनी में आपको बिल्कुल निवेश यहाँ पर करके चलना चाहिए जहाँ एफआईआई का एक्सपोजर तो है, साथ में यहाँ पर आपको खराब होता आपका यहाँ पे, वहाँ डिविडेंड से आप अपना प्रॉफिट पूरा कर सकते थे। अब मैं इस समय क्यों कह रहा हूँ खरीदारी करने के लिए, क्योंकि अभी तो कोई बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिल रही है, उसके बावजूद भी आप देखिए कि अगर आप लोअर एंड पे देखते हैं तो मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन की ओर एंटर कर रहा है, और वॉल्यूम में भी आप देखिए तेजी है। जिस तरह से आपका आरएसआई इस समय बुलिश पैटर्न की ओर आगे बढ़ा है, मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। क्या टारगेट होगा, टारगेट नहीं होगा, देखिए 33-34 रुपए का स्टॉक है आपका इस समय पे, और एक ब्रेकआउट पैटर्न 40 रुपीज के आसपास का है। 40 रुपए अगर ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद तो ये 60+ भी जाएगा, कोई दो राय नहीं है, बट 40 रुपए क्रूशियल लेवल हो जाता है आपके लिए। तो 40 रुपीज का लेवल आप देख करके चलिए, जिन लोगों ने बाइंग नहीं की अभी तक, अगर वो बाय करना ही चाहते हैं तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बाय करें, ना करें तो ज्यादा बेहतर, बट हाँ करना है तो स्मॉल क्वांटिटी में आप बाय कर सकते हैं। जिन लोगों ने बाय किया हो 40 लेवल्स के ऊपर नजर रखो, 40 जैसे ब्रेकआउट करता है आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक और कंपनी दोनों बहुत अच्छी है, और जिस तरह से एफआईआई का एक्सपोजर बढ़ा है मुझे लगता है जल्द ही ये 40 पार करते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह मेरी रहेगी स्मॉल क्वांटिटी में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, बट हाँ लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, कि आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो
सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एन स्पेस फॉर मेरे, कुछ पूछना हो तो थैंक यू।